माय नेम इज़ एमी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं मूवीज़ में उसी तरह के सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जिस तरह के हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, तो तुम आत्माओं को देख सकती हो, सो यू कैन सी सोल्स, सो यू कैन सी सोल्स, तो तुम आत्माओं को देख सकती हो। पिछले 3 सालों में हमारे यहाँ पर 5 से भी कम हत्याएँ हुई हैं। वी हैव हैड, यहाँ पर वी पढ़ते हैं, वी हैड लेस देन 5 मर्डर्स इन द पास्ट 3 ईयर्स, वी हैव हैड लेस देन 5 मर्डर्स इन द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में हमारे यहाँ पर 5 से भी कम हत्याएं हुई हैं। चिंता मत करिए सर, डोंट वरी सर, डोंट वरी सर, चिंता मत करिए सर, केस सॉल्व हो जाएगा, द केस विल बी सॉल्व, द केस विल बी सॉल्व, केस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हीरो कमिश्नर की पोस्ट पर है और ये लड़की इनके असिस्टेंट है, तो बोल रहे हैं, बोल रही है लड़की, केस विल बी सॉल्व, यानी कि केस सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत होइए। सर, विक्टिम का नाम आरजू मुखर्जी है, सर द विक्टिम्स नेम इज़ आरजू मुखर्जी, द विक्टिम्स नेम इज़ आरजू मुखर्जी, उसने कुछ लो बजट की फिल्मों में काम किया है। सी इज़ वर्कड इन ए कपल ऑफ लो बजट फिल्म, सी हैज़ है यहाँ पर, सी इज़ मतलब सी हैज़ वर्कड इन ए कपल ऑफ लो बजट फिल्म, उसने कुछ लो बजट की फिल्मों में काम किया है। भगवान की शक्ति उसके साथ होती है, यहाँ पर हीरो बोल रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड इज़ विद देम, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड इज़ विद देम, यानी भगवान की शक्ति उसके साथ होती है जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, फ्री फ्रॉम डिज़ायर एंड व्रैथ, फ्री फ्रॉम डिज़ायर एंड व्रैथ, व्रैथ मतलब होता है क्रोध, ये बोल रहे हैं, फ्री फ्रॉम डिज़ायर एंड व्रैथ, यानी कि इच्छा और शक्ति क्रोध से जो मुक्त है, जिसकी आत्मा और मन एक हैं, हुज माइंड एंड सोल आर वन, हुज माइंड एंड सोल आर वन, जिसकी आत्मा और मन एक है, हुज माइंड एंड सोल आर वन, ये बोल रहे हैं, भगवान की शक्ति उसके साथ होती है जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जिसकी आत्मा और मन एक है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह शक्ति तुम्हारी खुशी के लिए नहीं है देव, दिस पावर इज नॉट फॉर योर प्लेजर, दिस पावर इज नॉट फॉर योर प्लेजर, यह शक्ति तुम्हारी खुशी के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाने मदद करने के लिए है। इट्स टू हेल्प सोल्स क्रॉस ओवर इनटू द अदर वर्ल्ड, इट इज़ टू हेल्प सोल्स क्रॉस ओवर इनटू द अदर वर्ल्ड, यह आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाने में मदद करने के लिए है। वे कहते हैं कि जाकिर्स आत्माओं से बात कर सकते हैं, यहाँ पर एक लड़की इनसे बोल रही है, दे से दैट, यानी गांव वाले बोलते हैं, दे से दैट, वे कहते हैं जाकिर्स कैन टॉक टू सोल्स, यानी कि जाकिर जो आत्माओं से बात कर सकते हैं, दे से दैट जाकिर्स कैन टॉक टू सोल्स, तो तुम आत्माओं को देख सकती हो। यहाँ पर फिर इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सो यू कैन सी सोल्स, सो यू कैन सी सोल्स, तो तुम आत्माओं को देख सकती हो, क्या तुम मेरी माँ से भी बात कर सकते हो, कैन यू कम्युनिकेट विद माई मदर एज वेल, कैन यू कम्युनिकेट विद माई मदर एज वेल, क्या तुम मेरी मदर से भी बात कर सकते हो, क्योंकि आत्माओं से बात करते हो, बोल रही हैं, कैन यू कम्युनिकेट विद माई मदर एज वेल, क्या तुम मेरी माँ से भी बात कर सकते हो। पहला सनराइज पॉइंट, फिर पाइन फॉरेस्ट और अब हॉट स्प्रिंग, मतलब यहाँ पर मौतें हो रही हैं तो इनको गिनवा रही हैं, फर्स्ट सनराइज पॉइंट देन पाइन फॉरेस्ट एंड नाउ द हॉट स्प्रिंग, फर्स्ट सनराइज पॉइंट देन पाइन फॉरेस्ट एंड नाउ द हॉट स्प्रिंग, हम बहुत फ्रीली टहलते थे, वी यूज टू वॉक वेरी फ्रीली, वी यूज टू वॉक वेरी फ्रीली, हम बहुत फ्रीली टहलते थे, यानी बहुत खुलकर, हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता था। मैंने आपको पहले बताया जहाँ पर यूज टू का यूज़ होता है, मतलब कि वो काम पहले किया जा रहा था लेकिन अब क्विट कर दिया गया, वो काम बंद कर दिया गया, तो ये बोल रहे हैं, वी यूज टू वॉक वेरी फ्रीली, हम बहुत फ्रीली टहलते थे। यह टाउन अब सेफ नहीं रहा, दिस टाउन इज नॉट सेफ एनी मोर, दिस टाउन इज नॉट सेफ एनी मोर, यह टाउन अब सेफ नहीं रहा, वह मेरा लोकल सूचना देने वाला होगा, यहाँ पर एक आदमी को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं, ही विल बी माई लोकल इन्फॉर्मेंट, ही विल बी माई लोकल इन्फॉर्मेंट, ही विल को आप हील पढ़ सकते हैं यहाँ पर, हील मी बी माई लोकल इन्फॉर्मेंट, वह मेरा लोकल सूचना देने वाला होगा, वह केस में हमारी मदद करेगा, ही विल हेल्प अस विद द केस, ही विल हेल्प अस विद द केस, वह केस में हमारी मदद करेगा। मैं ही विल इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कि डबल एल क्यों लगा है, तो इसलिए मैं ही विल पढ़ता हूँ, ही विल हेल्प अस विद द केस, वह केस में हमारी मदद करेगा। सर, आप इन बातों पर कब से विश्वास करने लगे, सर सिंस वेन डिड यू स्टार्ट बिलीविंग इन दीज थिंग्स, सिंस वेन डिड यू स्टार्ट बिलीविंग इन दीज थिंग्स, सर आप इन बातों पर कब से विश्वास करने लगे, इसकी आत्मा से पूछो। पुलिस वाले को इस पर शक हो जाता है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो यहाँ पर एक लाश के पास इसको लाते हैं और बोलते हैं, तुम इसकी आत्मा से पूछ कर बताओ इसकी मौत कैसे हुई, था हमको पता चल जाएगा तुम सही बोल रहे हो नहीं, तो इससे बोल रहे हैं, आस्क हर सोल, इसकी आत्मा से पूछो उसे किसने मारा, हु किल्ड हर, उसे किसने मारा, आपको मुझे वहाँ ले जाना चाहिए,
यू मस्ट टेक मी देयर, यू मस्ट टेक मी देयर, आपको मुझे वहाँ ले जाना चाहिए, यू मस्ट टेक मी देयर। आप भी किसी से बोलते हैं अगर आपको कुछ देखना होता है तो आप बोल सकते हैं आपको मुझे वहाँ ले जाना चाहिए, यू मस्ट टेक मी देयर। आपका आखिरी घंटा कहाँ से शुरू हुआ, ये आत्मा के पास जाते पूछ रहे हैं। वेयर योर लास्ट आवर बिगन, वेयर योर लास्ट आवर बिगन, यानी तुम्हारा जो आखिरी घंटा है वो कहाँ शुरू हुआ, तो बोल रही है वो तुम्हारे मरने से 1 घंटे पहले, एन आवर बिफोर यू डाइड, एन आवर बिफोर यू डाइड, तुम्हारे मरने से 1 घंटे पहले। इसका मतलब है अभी भी जिंदा है, दिस मीन्स दैट ही इज स्टिल अलाइव, दिस मीन्स दैट ही इज स्टिल अलाइव, इसका मतलब है अभी भी जिंदा है। वह थी, सी वॉज, यहाँ पर बोल रहे हैं जिंदा है नहीं, वह थी, सी वॉज, वह थी, सी वॉज, वह थी, वह कौन है, हु इज़ ही, हु इज़ ही, यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, अगर लड़की की बात होती हु इज़ शी, हु इज़ शी, यहाँ पर हु इज़ ही मतलब लड़के की बात हो, वह कौन है। अगर कमिश्नर भूटिया को पता चला कि, यहाँ पर जो चूतिया बना रहे लोगों को भूत का बहाना करके बोल रहा है, इफ़ कमिश्नर्स भूटिया फाइंड्स आउट दैट, इफ़ कमिश्नर्स भूटिया फाइंड आउट दैट, यानी कि अगर कमिश्नर भूटिया को पता चला कि मैं जादू करके जादू का उपयोग कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग सम शैमंस मैजिक, आई एम यूजिंग सम शैमंस मैजिक, यानी कि मैं कुछ जादू करके जादू का उपयोग कर रहा हूँ इस मामले को सुलझाने की कोशिश करने के लिए, ये बोल रहे हैं टू ट्राई एंड सॉल्व दिस केस, टू ट्राई एंड सॉल्व दिस केस, इस मामले को सुलझाने की कोशिश करने के लिए वह मुझे निश्चित ही हटा देंगे, ही विल टेक मी ऑफ द केस, ही विल टेक मी ऑफ द केस, वह मुझे निश्चित रूप से हटा देंगे इस केस से, ये बोल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ उसके साथ क्या हुआ था, आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू हर, आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू हर, मैं जानना चाहती हूँ उसके साथ क्या हुआ था, आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू हर। देव, मुझे लगता है पापा कुछ छिपा रहे हैं, देव आई फील पापाज हाइडिंग समथिंग, देव आई फील पापाज हाइडिंग समथिंग, मुझे लगता है पापा कुछ छिपा रहे हैं। वह मंद हवा में गायब हो गया, ही डिसअपीयर्ड इन टू थिन एयर, ही डिसअपीयर्ड इन टू थिन एयर, वह मंद हवा में गायब हो गया, ही डिसअपीयर्ड इन टू थिन एयर, डिसअपीयर मतलब होता है कि गायब हो जाना। नेक्स्ट है, यह कैसे संभव है सर, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल सर, यह कैसे संभव है सर, ठीक उसी तरह जैसे एक मरे आदमी की आत्मा से बात करना संभव है, द सेम वे, द सेम वे यानी ठीक उसी तरह, इट्स पॉसिबल टू टॉक टू अ डेड पर्सन सोल, इट्स पॉसिबल टू टॉक टू अ डेड पर्सन सोल, जिस प्रकार से एक मरे आदमी की आत्मा से बात करना संभव है। इस यूनिक शो में, यहाँ पर दूसरे सेंटेंस चालू हो गए, ये बोल रहे हैं इन दिस यूनिक शो, इन दिस यूनिक शो, इस यूनिक शो में 10 कॉमेडियन एक सुख इस खूबसूरत घर में लॉक्ड होने जा रहे हैं, 10 कॉमेडियंस आर गोइंग टू बी लॉक्ड डाउन इन दिस ब्यूटीफुल हाउस, 10 कॉमेडियंस आर गोइंग टू बी लॉक्ड डाउन इन दिस ब्यूटीफुल हाउस, ये बोल रहे हैं द 10 कॉमेडियन इस खूबसूरत घर में लॉक्ड होने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, मेरे पूरे राजनीतिक करियर में, यहाँ पर तांडव मूवीज के कुछ सेंटेंस हैं, थ्रू आउट माई पॉलिटिकल करियर, थ्रू आउट माई पॉलिटिकल करियर, यानी कि मेरे पूरे राजनीतिक करियर में, थ्रू आउट मतलब पूरे, मेरे पूरे, थ्रू आउट माई पॉलिटिकल करियर, मेरे पूरे राजनीतिक करियर में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सारे सेंटेंस चले गए हैं, मैंने नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी डाल दिया जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज़ वेरी यूजफुल सेंटेंसेस, यदि आप ये सारे सेंटेंस देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये जरूरत पड़ने पर आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो अगर आपको स्पोकन इंग्लिश जल्दी सीखनी है तो मैंने अपने चैनल पर लगभग 1500 वीडियोस अपलोड किए हैं जो आप देख कर और इन्जॉय करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो यूजफुल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।